आदाब नमस्कार, मैं हूं फराज जैदी। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का नेशनल बुलेटिन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई में ईडी ने अड़ंगा लगा दिया है। वो अब कब सलाखों से बाहर आएंगे, अब ये कोर्ट में बहस के बाद तय होगा। नीट की काउंसलिंग रोके जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कहा है, और मौलाना महमूद मदनी ने अलीगढ़ में भीड़ द्वारा मुस्लिम युवक को पीट कर मार डालने पर क्या कहा है, ये और कुछ दूसरी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली सीएम केजरीवाल की रिहाई पर ईडी का अड़ंगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले मामले में मिली जमानत के खिलाफ ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई है। ईडी की दखल के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई पूरी होने तक उनकी जमानत पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ईडी अर्जी पर सुनवाई पूरी होने तक केजरीवाल की जमानत पर रोक रहेगी। इससे पहले गुजरे दिन 20 जून देर शाम राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 1,00,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी के समर्थकों में खुशी का माहौल था, लेकिन अब सभी की नजरें हाईकोर्ट पर लगी हैं। केजरीवाल की जमानत पर बोले कपिल सिब्बल, चुनाव खत्म। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में जमानत मिलने के मामले पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि चुनाव खत्म हो गए हैं, इसलिए अभियोजन पक्ष की नजर से अब उन्हें जेल में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये बात तंज कसते हुए कही। अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी जल मंत्री आतिशी। देश की राजधानी दिल्ली में पानी को लेकर घमासान मचा हुआ है। जल संकट पर जमकर सियासत हो रही है। आज शुक्रवार को जल मंत्री आतिशी जंगपुरा स्थित भोगल इलाके में हरियाणा से पानी की अतिरिक्त मांग करते हुए अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गई हैं। उनके साथ सुनीता केजरीवाल और संजय सिंह भी मौजूद हैं। नीट काउंसिल प्रक्रिया पर कोर्ट का रोक लगाने से फिर इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नीट यूजी काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिकाओं को लंबित याचिकाओं के साथ टैग कर दिया है और उन्हें 8 जुलाई को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया है। नीट परीक्षा मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन, हिरासत में अजय राय। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कांग्रेस का पूरे यूपी में जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अजय राय के नेतृत्व में पदाधिकारी व कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय से कूचकर विधान भवन का घेराव करने जा रहे थे, तभी इस दौरान अजय समेत अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। समाजवादी पार्टी के छात्रों ने भी प्रदर्शन करके परीक्षा में धांधली की बात कहते हुए रद्द करने की मांग उठाई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पीएम मोदी का कश्मीर में योग। भारत समेत पूरी दुनिया में आज शुक्रवार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर के डल झील के किनारे स्थित शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में योग किया। इस दौरान उन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से योग कर रहे लोगों को कश्मीर से योग दिवस की बधाई दी। वहीं सीएम योगी लखनऊ के राजभवन में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास समारोह में शामिल हुए और योगाभ्यास किया। साउथ अफ्रीका इंग्लैंड टीम के बीच सुपर 8 का 5वां मुकाबला आज। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 का 5वां मुकाबला आज इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच रात 8 बजे से सेंट लूसिया के डेरेन सेमी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम 2 बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीती है, वहीं साउथ अफ्रीका को अपने पहले आईसीसी टाइटल का इंतजार है। बता दें, दोनों टीमें ग्रुप ए में हैं। आज का मुकाबला जीतने से सेमीफाइनल में जाने की दावेदारी मजबूत होगी। मौलाना मदनी ने की मॉब लिंचिंग की घटनाओं की निंदा। यूपी के अलीगढ़ में चोरी के शक में भीड़ के संवेदनशील क्षेत्र मामू भांजा में मंगलवार देर रात फरीद नाम के शख्स को पीट पीट कर मार डाला गया। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव है। इस मामले को लेकर प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से बयान आया है। मौलाना महमूद मदनी ने अलीगढ़ में भीड़ के हत्या कर देने पर सख्त नाराजगी जताई है। जाँच में तेजी लाने और सभी दोषियों को बिना देरी के न्याय के कटघरे में खड़ा करने की मांग की है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की अपडेट्स के लिए द लीडर हिंदी से जुड़े रहिए। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी गुजारिश है कि ज़रूर कर लें।